जब से कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा शुरू हुई है, उसके लिए मुश्किलों का भी एक नया दौर शुरू हो चुका है। देश भर में उसके नेताओं के बीच पार्टी से इस्तीफों की झड़ी लगी हुई है, तो वहीं इस साल के अंत में गुजरात में चुनाव होने हैं और उससे पहले कांग्रेस को कई बड़े झटके लग चुके हैं। लेकिन इतना सब कुछ कम था कि अब गुजरात में कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष जिग्नेश मेवाड़ी को दंगा और हिंसा करने के जुर्म में जेल की सजा हो गई है। चुनाव से कुछ महीने पहले कांग्रेस के लिए इसे बड़ा झटका माना जा रहा है। गौरतलब है कि इससे पहले राज्य में कांग्रेस के कई बड़े नेता और विधायक पार्टी छोड़ चुके हैं। वहीं अब विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को एक और बड़ा झटका लग चुका है, जो कि उसे बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है। अहमदाबाद की एक अदालत ने कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष जिग्नेश मेवाड़ी को 6 महीनों की जेल की सजा सुनाई है। 2016 में दंगा भड़काने और भीड़ एकत्रित करने के आरोप में दर्ज हुए केस में दोषी करार देते हुए कोर्ट ने मेवाड़ी समेत 19 लोगों को 6 महीने साधारण कैद की सजा सुनाई है। बता दें कि गुजरात यूनिवर्सिटी का नाम बदलने को लेकर हुए विरोध प्रदर्शन के दौरान हिंसा को लेकर यह केस दर्ज किया गया था। इस केस में 20 लोगों को आरोपी बनाया गया था, जिसमें से एक की मौत हो चुकी है। अहमदाबाद मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट ने विधायक जिग्नेश मेवाड़ी, सुबोध परमार, राकेश मेहरिया समेत 19 को 6 महीने जेल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने पूरे मामले में दर्ज 3 केस में सजा सुनाई है। पहले केस में 6 महीने की जेल, दूसरे में 500 रुपये जुर्माना और तीसरे में 100 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई है। दरअसल गुजरात यूनिवर्सिटी के कानून विभाग का नाम बदलकर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर भवन रखने की मांग को लेकर कांग्रेस नेता जिग्नेश ने आंदोलन किया था, जिसमें जिग्नेश के साथ 19 लोगों ने भी आंदोलन में भाग लिया था। वही जिग्नेश मेवाड़ी को दूसरी बार कोर्ट से सजा हुई है। इससे पहले मेहसाना में बिना परमिशन रैली करने पर 3 महीने की सजा हुई थी। फिलहाल मेहसाना के मामले पर अभी स्टे लगा हुआ है। गौरतलब है कि कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष जिग्नेश मेवाड़ी ने लगातार गुजरात सरकार पर हमलावर रहे हैं। अभी हाल ही में उन्होंने बीजेपी को निशाने पर लेते हुए कहा था कि 27 साल से हमारे साथ अन्याय ही हो रहा है, अगर पटेलों पर जो मामले दर्ज हुए हैं वो वापस लिए गए तो SC/ST एक्ट के केस क्यों वापस नहीं लिए जाते। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।